केंद्रीय विश्वविद्यालय में समस्याओं व मांगों तथा प्रशासन की ओर से छात्रों पर मामले बनाने के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कचहरी में शव यात्रा निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने भूख हड़ताल भी जारी रखी है। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री विशाल वर्मा ने कहा कि प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के गैर जिम्मेदाराना अधिकारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर झूठे केस बनाकर उनके भविष्य से खिलवाड़ करने की कड़ी निंदा करती है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए इससे शर्मनाक विषय और कुछ नहीं हो सकता कि केंद्रीय विश्वविद्यालय की घोषणा के 11 वर्षों बाद भी वहां के छात्र अभी तक अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए ही तरस रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की चाहे पूर्व की सरकार रही हो या वर्तमान सरकार की बात करें तो दोनों राजनीतिक दलों ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर तो जमकर राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य किया, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी मात्र बड़े बड़े भाषणों के बजाय अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपना स्थायी परिसर तक नहीं मिल पाया है। पिछले 12 दिनों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर आंदोलन कर रही है। हम देखते हैं कि इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम पर चाहे वो कांग्रेस की सरकारें हो, चाहे वो भाजपा की सरकारें हो, चाहे वो यहाँ के स्थानीय नेता हो, जमकर राजनीति की जाती है। जब भी चुनावों का समय नजदीक आता है केंद्रीय विश्वविद्यालय की याद आ जाती है, लेकिन चुनाव पूरे होने के बाद उस केंद्रीय विश्वविद्यालय का हाल पूछने के लिए कोई भी नेता नहीं आता। हम देखते हैं कि बड़े बड़े मंचों से घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन धरातल की सच्चाई अगर आपके बीच में रखी जाए तो धरातल के ऊपर छात्रों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं अगर हम बात करें, या ना साइंसेज के कोर्सेज चलाए जाते हैं लेकिन साइंसेज के कोर्सेज के अंदर छात्रों को लैब की सुविधा नहीं है, छात्रों को लाइब्रेरी के अंदर बैठने की सुविधा नहीं है, छात्रों को फोटोग्राफी का, छात्रों को पत्रकारिता का कोर्स चलाया जाता है लेकिन उस कोर्स के नाम पर एक भी कैमरा इस कैंपस के अंदर नहीं है, छात्रों को कंप्यूटर से संबंधित कोर्स चलाए जाते हैं लेकिन एक कंप्यूटर लैब तक में नहीं है। ये पोल हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की आज हमारे सामने खुली है और विद्यार्थी परिषद इन सभी मूलभूत मांगों को लेकर पिछले 12 दिनों से आंदोलन कर रही है। हम देखते हैं कि छात्रों की इतनी फीस नहीं है, इतने भारी भरकम किराए देकर उनको रूमों के अंदर रहना पड़ता है। हमने मांग की कि प्रत्येक छात्रों को हॉस्टल की सुविधा दी जाए, प्रत्येक छात्र को बस की सुविधा दी जाए, लेकिन वो निकम्मे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे मैं कुलपति की बात करूं जो विश्वविद्यालय में कम और बाहर ज्यादा टूरों के अंदर दिखाई देते हैं, वो निकम्मे प्रशासनिक अधिकारी जो रजिस्ट्रार की शक्तियां ऐसे अयोग्य व्यक्ति को दी हैं जो उसके काबिल नहीं था, उसके माध्यम से छात्रों की आवाज कुचलने का काम करता है, छात्रों के ऊपर झूठे केस लगाने का काम करता है। छात्रों का केवल इतना कसूर था कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई, उन्होंने केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर को लेकर मांग उठाई, इस कसूर के ऊपर उनको केस लगा दिए जाते हैं। ऐसे निकम्मे अधिकारियों को भी चेतावनी देते हैं कि विद्यार्थी परिषद इन केसों डरने वाली नहीं है। आने वाले समय में जब तक छात्रों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल जाती, जब तक केंद्रीय विश्वविद्यालय को स्थायी परिसर नहीं मिल जाता, हमारा ये आंदोलन इसी प्रकार जारी रहेगा और बड़े रूप में छात्र प्रशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे। ये चेतावनी मैं आज देता हूं। शव प्रदर्शन क्या है आज? शव प्रदर्शन एक सिंबॉलिक रूप से किया जाने वाला प्रदर्शन है जिसमें उन सभी छात्रों का करियर, उनका भविष्य की हत्या की गई है जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई लेकिन आवाज उठाने के लिए उनके ऊपर झूठे केस लगाए गए, तो वो छात्रों का करियर, उनके अधिकारों की हत्या की है, उसका ये सिंबॉलिक हमारा शव प्रदर्शन आज यहाँ पर हो रहा है। अब इसका अगला स्टेप क्या रहने वाला आंदोलन का? अभी तक की हमारे आंदोलन की रणनीति आपके सामने है, आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे, उस आंदोलन का स्वरूप आपके सामने आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद रखेगी, लेकिन अभी तक का जो हमारी रणनीति है वो हमने आपके सामने रखी है।